नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज इंटर वीडियो। ये हमारी गाड़ी भी है ओबीजी 255 टन BS6। इसमें इसके पहले कुछ इधर पहले कल कोड आया था P0299 का और P2461। तो कोड को क्लियर कर लाइफ की गाड़ी हमला वर्कशॉप पर आया है। अब देखते हैं ये कोड क्यों आया है। बहुत जगह दिखा लिया ड्राइवर जी, काफ़ी परेशान है, तो ड्राइवर से बात करेंगे कहाँ का दिखाएं और क्या दिक्कत हो रहा है इनको चलाने में। ठीक है, तो ड्राइवर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खान है। गाड़ी महीने से परेशान हूँ और महिंद्रा कंपनी से मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये कोड बार बार आ जा रहा है। मैं कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये दे चुका हूँ। और कहाँ कहाँ दिखा लिया अभी तक? मैंने बंगाल में दिखा लिया, झारखंड में दिखा लिया, बिहार में दिखा लिया, हर जगह दिखा लिया, लेकिन मेरी गाड़ी का सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अच्छा, देख सकते हैं काफी परेशान है। कोड आ रहा है, एक ही काम के लिए मैंने 35 हज़ार रुपये दे दिया। ये एक कोड आ रहा है 299 और दूसरा कोड नहीं, एक ही कोड आ रहा है। मतलब ये दो ही कोड आ रहे हैं। अच्छा, 0299 P0299 और P2461, ये दो ही कोड आ रहे हैं। इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। और मिस्त्री आता है, कोई भी आता है, वो साइलेंसर खोल के उसकी सफाई करके वापस फिट कर देते हैं। उसमें कोई पैकिंग कट जाती है, वो पैकिंग नहीं डालते दोबारा और हमसे पैसे लिए जाते हैं बार बार। अच्छा, देखते हैं ड्राइवर जी काफी परेशान है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या बीमारी इसमें है। काफी दिन से ये परेशान है। ठीक है, तो चलो ठीक करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कैसे ठीक होते हैं। ठीक है, तो रिवीजन से बने रहेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी लैपटॉप कनेक्ट किया हूँ, जो कि हमारी गाड़ी है अभी 55 टन है और इसमें हमारा एग्जॉस्ट ब्रेक है और ई डाटा सेट। ठीक है, ये हमारा OBD1 है, ये डाला हुआ है, ये OBD2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पता कर सकते हैं OBD1 है कि 2 है। ये OBD2 रहता है तो यहाँ फेस P2E लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे P2 नहीं है, बाकी ई है। और हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके आप सेंसर के पास कि PM सेंसर का है कि नहीं, वहाँ पर कर सकते हैं आप OBD2 की नहीं। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या दिक्कत दिखा रहा है। ये जैसे बताएं अभी कोड, उसके हिसाब से हमारा टर्बो चार्जर बूस्ट में हमारा एयर इंजन में कम जाता है या फिर DPF चौक मिलता है। ठीक है, उसमें हमारा दिक्कत मिलता है या SCR चौक मिलेगा तब भी, तो चेक करेंगे इसका। मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, तो सोचता हूँ इसमें बना दो फिर से, क्योंकि ये काफ़ी दिनों दिक्कत से परेशान है। ठीक है, तो ये लैपटॉप कनेक्ट हो चुका है और हम देखते हैं इसके लैपटॉप में बूस्ट प्रेशर का वैल्यू। तो जाना एयर सिस्टम, तो देखते भी हमारा आइडल में है 0 और यहाँ बूस्ट प्रेशर 0.9। स्टार्ट करें गाड़ी को भी, और देख सकते हैं हमारा एयर मास फॉलो 108 जा रहा है, जो कि कम है थोड़ा, और फुल रेस कर रहे हैं यहाँ पे। सकते हैं हमारा बूस्ट प्रेशर 1.2 ही जा रहा है, जो कि बहुत कम है। ये हमारा 1.3 से अब होना चाहिए, 1.4-1.5 होना चाहिए, जो कि कम यहाँ पे है। और एयर मास फॉलो 750 से 850 बीच होना चाहिए, वो भी कम जा रहा है। ठीक है, फिर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो हमारा बूस्ट प्रेशर कम है, पहला ये दिक्कत हमको दिखा है इसमें। और देखते हैं DPF का क्या इसका प्रॉब्लम है। पहले कोड आया 24 सेट का, तो डेटा प्रेशर ज़्यादा नहीं जा रहा है, 15 जा रहा है। और गाड़ी बंद करने में देखते हैं हमारा 0 आता है कि नहीं। गाड़ी बंद करने पर जी हमारा 0 आना चाहिए डेटा प्रेशर वैल्यू। ठीक है, तो हमारा ओके उधर का सिस्टम, तो 0 आ चुका है, मतलब हमारा DPF ओके है। बाकी हमारा जो दिक्कत है एयर सिस्टम से दिक्कत है, तो चेक करेंगे हमारा एयर सिस्टम से लीकेज है या फिर हमारा DPF से शॉक है। ठीक है, तो चलते हैं नीचे और हम दिखाते हैं इसमें इशू आई डी का। इधर से भी इराना सेट है। ठीक है, और चलते हैं नीचे हम लोग। तो सबसे पहले चेक करना है कि हमारा ATS में दिक्कत है या इंटेक्स में। तो सबसे यहाँ जो गियरबॉक्स रहता है ऊपर में, इसके नीचे जो हमारा पाइप रहता है यहाँ पे खोल लेना है। ये जो गैस आता है इधर नहीं आना है, इसके अंदर, इधर बाहर फेंकना है। ठीक है, तो खोल देना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कि हमारा एयर इंटेक सिस्टम में जो बूस्ट प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बढ़ गया तो इधर दिक्कत मिलेगा, और नहीं बढ़ा तो हमारा इधर एयर इंटेक सिस्टम में कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो चेक करते भी गाइड स्टार्ट करके। तो अभी चेक करें इसका सिस्टम में, अभी सेंसर खोल दिए नीचे और देखते हैं RPM स्टार्ट करके। मारे स्टार्ट, फुल रेस कीजिए, फुल रेस कीजिए।
देख सकते हैं अभी सेंसर खोलने के बाद भी हमारा 1.12 ही तक गया, मतलब हमारा एटीएसएम दिक्कत नहीं है, एयर इंडक्शन का दिक्कत है। ठीक है, अरे बंद कीजिए। तो हमारा ये गाड़ी में हमारा जो 1.2 ही तक जा रहा है, मतलब एटीएसएम कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत हमारा इंटरकूलर से हो सकता है या हॉर्स पाइप या टर्बो चार्जर, ठीक है, हमारा इधर से कोई दिक्कत मिलेगा आपको। तो चेक करते हैं अभी, उधर एटीएसएम कोई दिक्कत नहीं है, अगर उधर रहता दिक्कत तो हमारा 1.45 पहुँच जाता एसीआर चल रहा तो। ठीक है, चेक करते हैं अभी, देख सकते हैं अभी मैं इसका एसी वाला जो कंडीशनर था वो बाहर निकाला हूँ, और अभी देख सकते हैं इंटरकूलर हमारा ये है, ये हमारा देखिए किस हिसाब से इसका जाने देखिए किस हिसाब से हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम आया है इंटरकूलर में, कभी कभार ये फट भी जाता है, तो ये पूरा फैल चुका है ये प्रॉब्लम, इसमें प्रेशर ढंग से नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग बदलेंगे, ठीक है, और दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये हमारा इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं मिलता है, यदि आपका एयर मास्टर बढ़िया जा रहा है और ब्रश प्रेशर कम जाए तो आपका इंटरकूलर या फिर आपका इंटेक मैनिफोल्ड गैस की रिकट जाता है या होता निकलता है, ये दिक्कत आता है। ठीक है, सेंसर खोलने के बाद भी प्रेशर नहीं बढ़ता है, इधर आपको चेक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस हिसाब से हो गया इंटरकूलर, तो देख सकते हैं अभी इंटरकूलर खोला हूँ, और यहाँ देख सकते हैं जो अंदर साइड जो रहता है रेडिएटर की साइड उधर नहीं दिख रहा था बाहर से, और इधर अंदर में खोला हूँ तो इधर क्या है, इधर फट भी गया है। ठीक है, प्रेशर से ये पूरा इधर फट भी गया है, यहाँ से पूरा ये प्रेशर से हवा जो था हमारा निकल जा रहा था, भाई इधर साइड फूला हुआ है, दिखा था आपको इधर ये फूला हुआ है और उधर फट गया है। ठीक है, तभी डालूंगा नया। ठीक है, हमारे पास भी नया है और भी डाल के दिखाता हूँ, यह सारा का सारा प्रेशर यहाँ निकल रहा है, दिखता नहीं है, ये खोलना तब दिखा अच्छे से। तो ये है हमारा इंटरकूलर नया वाला, जो कि हमारा कि फिंस पूरा ओके है, और ये हमारा था ख़राब वाला, तो लगा के दिखाते हैं भी डायरेक्ट फिट करने भी। ठीक है, अभी नया इंटरकूलर डाल दिए हैं, और इसका डेल्टा सेंसर भी टूटा हुआ था तो अभी चिपका फिर लगाए हैं, और अभी आएगा तो लगा देते हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल हम चेक करें इसका जो हमारा एयर इंटेक सिस्टम में जो दिक्कत हो रहा था, बूस्ट प्रेशर जा नहीं रहा था 1.2 से अबव और एयर मास फ्लो, वो देखते हैं अभी कितना आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी अभी। तो देख सकते हैं आइडल पे हमारा अभी जा रहा है 130 अबव, और यहाँ पहले जा रहा था 109 तक जा रहा था, और फुल रेस करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, सकते हैं हमारा बूस्ट प्रेशर 1.4 चला गया, पहले 1.2 ही जा रहा था लास्ट, और एयर मास फ्लो जा रहा है हमारा 8.5 से प्लस 7 जा रहा था। ठीक है, अभी और जाएगा, थोड़ा गाड़ी गर्म करेंगे, उससे अभी स्टार्ट हुआ फिलहाल ही। ठीक है, वो दिखाते हैं, ये 1.5 चला गया, गाड़ी को 5 टाइम एक्सीलरेटर दबाना है, धीरे छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, ऐसे कीजिएगा तो जो एक्यूरेट वैल्यू रहेगा बूस्ट प्रेशर का, जब 1.4 दिखा रहा था 1.5 हो गया, वो दिखाएगा आपको। ठीक है, बढ़ेगा बूस्ट प्रेशर, ठीक है, 1.5 जा रहा है हमारा यहाँ पे, 1.5 चला गया, और एयर मास फ्लो 8.5 से अबव चला जा रहा है। ठीक है, तो गाड़ी ओके चुका है अभी। ठीक है, बाकी जो 24 कोड आ रहा था इसका डेल्टा सेंसर जो था टूटा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं और इमेज में ये पूरा गर्म से जो पहले क्या था एयर हमारा जो ढंग से नहीं जा रहा था, तो एयर नहीं जाने का सूट बढ़ रहा था और इतना प्रेशर आ रहा था वहाँ से कि वो गला दिया सूट सेंसर को। ठीक है, तो वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके वो 24 कहीं भी गैस लीक करेगा या सेंसर ख़राब हो तो 24 61 कोड आएगा। ठीक है, काफ़ी वीडियो मैं बनाया हूँ, आप जाकर देख सकते चैनल पर अपलोड किया हुआ है, बाकी इसका भी वीडियो बनाया था लेकिन इसमें ये काफ़ी परेशान थे, इस कारण सोचा कि वीडियो और बना दूं। ठीक है, तो कैसा पेट्रोल मिलता है तो चेक कर सकते हैं, और अभी गाड़ी ट्रायल करेंगे और ड्राइवर से भी बात करवाएंगे, अभी गाड़ी में कोई भी कोड नहीं है, कोई दिखाता है यहाँ पे, कोई भी कोड नहीं है, पहले कोड आया था हमारा P-299 का और P-2461। ठीक है, उसका मैं फ़ोटो नहीं ले पाया लेकिन आपको दिखाता है स्क्रीन शॉट पर, यहाँ देख सकते हैं ये कोड आया हुआ था। ठीक है,
तो ट्रायल करके बताते हैं। गाड़ी ट्रायल हो रहा है और गाड़ी बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। रोड में ट्रायल कर रहे, रात हो गया लगभग, तो अभी ड्राइवर से पूछते हैं। ड्राइवर जी, गाड़ी कैसे चल रहा है अभी? गाड़ी ठीक चल रहा है, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं हम 40-50 किलोमीटर के अंदर। हाँ, अभी सही है ना आपके पास? 100-150-200 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलेगी तब हम संतुष्ट होंगे। 200 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद में अगर फोर्ड नहीं आए तो संतुष्ट होंगे, अभी फोर्ड आएंगे तो हम संतुष्ट नहीं। काम करने के बाद अभी पावर कोई बढ़ा? हाँ, ठीक चल रही है गाड़ी, बड़ा है, गाड़ी चल रही है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आया था, जब मिस्त्री पीछे काम किया, वो जी कुछ टाइम में मतलब वो गाड़ी चल रही थी। अच्छा, उस टाइम तो फॉल्ट कुछ नहीं मिला था सर? उनको भी फॉल्ट नहीं मिला। अभी तो फॉल्ट मिला, आपका गाड़ी में काम हुआ है ना? पैसे लिए फालतू। अच्छा, चलिए देखिए, अभी गाड़ी में ड्राइवर जी काफी परेशान थे तो जिस कारण से अभी ये संतुष्ट नहीं चाह रहे हैं, लेकिन लैपटॉप में जितना था प्रेशर वो सब बढ़ गया। अभी हम लोग ट्रायल किए लगभग 40 किलोमीटर, तो गाड़ी भी ओके है, कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया भाग रहा है। और हम लाइट बटन पे भी गाड़ी बहुत बढ़िया भाग रहा है, चला के सब देख रही है ड्राइवर जी, ठीक है। ये कल बताएंगे चला के यार, यहाँ से गाड़ी ट्रायल किए हैं और ड्राइवर से बात करेंगे क्या क्या हुआ और क्या अभी कैसा गाड़ी है। तो ड्राइवर जी, गाड़ी नंबर क्या आपका? गाड़ी नंबर GJ12BZ4711। गाड़ी में क्या दिक्कत हो रहा था आपका? गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी। और कोड आ रहा था? कोड आ रहा था 2461 और 0299। तो अभी बहुत जगह दिखा लिया आप, कहीं भी सपोर्ट नहीं पकड़ पाया? कहीं पे भी सपोर्ट नहीं पकड़ पाया। तो अभी आए हमारे हाजरीबाग नेक्सरा मोटर में। हाँ, और तो अभी काम किया है। अच्छा काम है, लेकिन अभी तक हम 40 किलोमीटर गाड़ी चली है, 40 किलोमीटर अच्छी चली गाड़ी, अगर आगे भी अच्छी चलेगी तो हम दोबारा आएंगे। अच्छा, ठीक है, जरूर आइएगा। बाकी अभी जो था आपका माइलेज वो भी बढ़ गया है पहले से, है ना? पिकअप भी बहुत बढ़िया बढ़ गया, अभी कोई तरह का चकलम भी नहीं आया अभी आपका। बाकी आपका सपोर्ट हम लोग हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो और कोई दिक्कत है गाड़ी में? अभी कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट है काम से? अभी हमारा अभी संतुष्ट नहीं, अभी जब 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी अभी ट्रायल किए हैं, आपको वीडियो बना के आपको कॉल करके हम बताएंगे कि अभी हम संतुष्ट है और हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अभी आपका सही है ना? हाँ, अभी फिलहाल सही है, सब चीज पिकअप विकअप सब टोटल पिकअप वगैरह सब सही है, ठीक। तो देख सकते हैं हमारा गाड़ी भी ओके हो चुका है और ड्राइवर जाने वाले हैं, ठीक है। तो बताएंगे बाद में, ये अभी तो 40 किलोमीटर ट्रायल किए तो अभी दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि चलेंगे 100 किलोमीटर लगभग, 150 किलोमीटर तब बताएंगे, ठीक है। बाकी हमारे तरफ से गाड़ी ओके है। तो ये फॉल्ट तो मिल चुका है, पहले फॉल्ट नहीं मिल रहा था, दो कोड था, दोनों का प्रॉब्लम मिल चुका है, तो ये गाड़ी हमारा ओके चुका है, ठीक है। तो आई होप अपनी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।